पहले बात नक्सलियों के कब्जे में लापता जवान राकेश्वर सिंह की हम बात करेंगे, जो पिछले करीब 5 दिनों से नक्सलियों की कैद में है। बीजापुर में 3 अप्रैल शनिवार को हुई इस मुठभेड़ के बाद सीआरपीएफ के कोबरा जवान राकेश्वर सिंह लापता है। नक्सलियों ने उनके कब्जे में होने का दावा किया है और एक फोटो भी जारी की है। इसके बाद अब जवान को नक्सलियों से मुक्त कराने की मुहिम शुरू हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी बुधवार को घटना स्थल के लिए रवाना हुई, लेकिन नक्सलियों ने जेल समिति को आधे रास्ते से ही वापस लौटने की सूचना भेज दी और कहा कि सरकार मध्यस्थों के नाम भेजे तो ही बात होगी और तभी जवान की रिहाई हो पाएगी। वहीं सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने कहा था कि हमारा एक जवान लापता है, ऐसी अफवाह है कि वो नक्सलियों के कब्जे में है। फिलहाल जवान के लिए ऑपरेशन भी प्लान किया जा रहा है। नक्सलियों ने इससे पहले 2 दिन पहले एक प्रेस नोट जारी किया था और उसमें जिक्र किया था कि जवान राकेश्वर उनके कैद में है और वो सुरक्षित हैं, और उसकी फोटो एक दिन पहले ही बुधवार को ये जारी की है नक्सलियों ने और एक शर्त भी रखी है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर हम ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए रुख करेंगे। हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिये हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए लाइव। प्रशांत, जाहिर है कि इस पूरे घटनाक्रम पर हम नजर डालें तो मकसद सिर्फ यही है कि अब जल्द से जल्द जो कोबरा बटालियन का जवान है राकेश्वर, उसे जल्द से जल्द छुड़ाना है, और इसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि सरकार एक अनुकूल माहौल तैयार करे और उसी दिशा में आगे बढ़े ताकि बात बन सके। सीआरपीएफ की क्या प्लानिंग है और छुड़ाने के लिए अब क्या तैयारी की जा रही है जवान को? बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से जवान ने बंदी बनाकर रखा हुआ है और 2 दिन पहले प्रेस नोट जारी किया और सरकार के हवा को सूचना दी, ये कहा कि एक मध्यस्थों की टीम का ऐलान करें और उस टीम के आधार पे जो टीम के पास जो है जो बंदी जवान है उसको हम रिहा करेंगे। और इस तरीके से सकुशल होने की जो बात एक मांग की जा रही थी कि जवान अभी सुरक्षित है या नहीं उसका एक वीडियो फोटो वायरल किया जाए, तो नक्सलियों ने एक फोटो भी वायरल किया है और कहा है कि जवान सुरक्षित है, लेकिन जब तक सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं होगी, सरकार के तरफ से कोई मध्यस्थ नहीं पहुंचेंगे, तब तक जवान को रिहा नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके से कल बस्तर की सामाजिक कार्यकर्ता है और जेल बंदी रिहा समिति की अध्यक्ष सोनी सोरी, वो अपने टीम के साथ, अपनी समिति की टीम के साथ, साथ ही कुछ मीडिया कर्मियों के साथ उन इलाकों में पहुंची हुई थी जहां पर मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद नक्सली किन इलाकों में जा सकते हैं, उन इलाकों में जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन आधे ही रास्ते से उन्हें वापस भेज दिया गया। और ये कहा गया कि जब सरकार से बातचीत चल रही है, सरकार अपने मध्यस्थों का ऐलान करे, उन्हीं के जो है मार्फत, उन्हीं के माध्यम से जो है जवान की रिहाई की जाएगी, आप लोग वापस चले जाइए, तो उसके बाद जो है सोनी सोरी अपनी टीम के साथ वापस पहुंच चुकी हैं। और अब जो है सरकार की तरफ से पहल का इंतजार किया जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि किस तरीके से क्या कुछ रणनीति तैयार करेंगे और किनको। प्रशांत, बड़ा सवाल अब ये हो जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया में वक्त कितना लगेगा, क्योंकि जवान पहले से ही शनिवार से ही नक्सलियों के कब्जे में है, दूसरी तरफ आज गुरुवार हो गया है, करीब करीब 5 दिन हो गए, लेकिन अब अभी कितना वक्त लगेगा? सीआरपीएफ को प्लानिंग भी करना है, सरकार को अनुकूल माहौल भी बनाना है, और नक्सलियों ने तो साफ शर्त रख दी है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि नक्सली मानेंगे नहीं, उनको उनकी शर्त जब तक पूरी नहीं होगी, सरकार मध्यस्थों का ऐलान नामों का ऐलान नहीं करेगी, तब तक वो कब्जे में जो जवान है उसे छोड़ेंगे नहीं। देखिए दीपक, जवान को तो नक्सली छोड़ेंगे जरूर, जिस तरीके से पर्चा जाहिर किया है नक्सलियों ने, तो जवान को सुरक्षित तौर पे छोड़ेंगे जरूर, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या फोर्स के तरफ से कोई ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऑपरेशन प्लान किया जाता तो जिन इलाकों में उन नक्सली जवान को रखे हैं वो इलाका काफी जो है नक्सलियों के पैठ वाला इलाका है और ऐसा इलाका है जहां पर जवानों को पहुंचना काफी मुश्किल होगा, तो ये एक तरीका तो काफी मुश्किल होगा और ये तरीका बिल्कुल भी जो है सरकार अपनाएगी नहीं, क्योंकि इस तरीके से जवान की जान भी जो है खतरे में पड़ सकती है। और दूसरा तरीका यही है कि अब नक्सलियों की जो मांग है कि एक दल तैयार करें जो मध्यस्थ करेंगे और मध्यस्थता करने वाले दल का नाम घोषित करें और उसके बाद जो है जो जवान है उसको जो है रिहा करवाए, तो जैसे ही पर्चा नक्सलियों ने डाला था उसके बाद बस्तर आईजी का एक बयान आया था कि पहले पर्चे की पुष्टि की जाएगी कि पर्चा सही है कि नहीं, उसके बाद जो है प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, तो उसको लेकर भी एक दिन पूरा बीत चुका है, आज दूसरा दिन है और आज जिस तरीके से संभवतः आज ये ऐलान हो सकता है कि मध्यस्थता कौन करेंगे और मध्यस्थता करने के बाद किनका किनको वहां पर भेजा जाएगा नक्सलियों के पास ताकि जवान को सकुशल वापस बुलाया जा सके। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अब देखना होगा कितना
रखना, जल्द सरकार आगे का प्लान एक अनुकूल माहौल बनाते हुए तैयार करती है, और सीआरपीएफ की क्या तैयारी है, क्योंकि कोशिश अब यही है और मकसद भी यही है कि जल्द से जल्द लापता जवान जो नक्सलियों के कैद में है राकेश्वर सिंह, उसे